बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू टॉपिक, कोरोनरी हार्ट डिजीज। व्हाट आर इट्स इम्प्लिकेशंस, व्हाट आर द वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इट, एंड हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशनल थेरेपी इन कोरोनरी हार्ट डिजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज कोरोनरी हार्ट डिजीज। इट डिवेलप्स व्हेन योर मेजर ब्लड वेसल्स आर डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड that are providing or distributing blood to the heart. होता कैसे है? अब हम इसको coronary artery disease भी कहते हैं। coronary artery disease इसलिए कहते हैं क्योंकि असल में जो arteries blood supply कर रही होती हैं heart को, वो damage हो जाती हैं। तो अब वो damage कैसे होती हैं? होती ऐसे हैं कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल या फिर डिफरेंट आपके जो प्लेक्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन की वजह से बनते हैं, या आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट जो होता है, जब आप ज़्यादा फैट कंटेनिंग डाइट खाते हैं तो जो है वो आपकी उन आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल पाइप है जिसमें से पानी निकल रहा है, अगर वो पाइप ब्लॉक हो जाएगा उसके अंदर वो, या उस पाइप का साइज छोटा हो जाएगा, तो पानी ऑब्वियसली थोड़ा कम जाएगा, कम निकलेगा, और ब्लड हार्ट को जो है एक नॉर्मल अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है, तो जब वो ब्लड नहीं पहुंचेगा हार्ट में तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहेंगे या कोरोनरी हार्ट डिजीज कहेंगे। क्यों ये डैमेज होती है? जब इन्फ्लेमेशन होती है या कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग प्लेक्स जमा हो जाते हैं या डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं आर्टरीज में। अच्छा, कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो वाली आर्टरीज होती हैं जो ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं हार्ट को। तो जब प्लेक बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं और आर्टरीज नैरो हो जाती हैं तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होता है तो चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, अब आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है या हार्ट डिजीज जो है ओवर द डिकेड्स आहिस्ता 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 डिवेलप होता है, और इसका कभी कभार कोई साइन एंड सिम्टम भी नहीं होता। तो जब सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज जमा हो जाता है तो अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक का मेजर जो रीज़न होता है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज या आर्टरी डिजीज होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज? कोरोनरी आर्टरी डिजीज बिगिन करता है जब कोरोनरी आर्टर इन द इनर लेयर जो होती है वो डैमेज होना शुरू होती है, और ये होती है इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इंसुलिन एंड सिडेंट्री लाइफस्टाइल। तो ये हमारे मेजर फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग की वजह से, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, डाइट में या बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, डायबिटीज और सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, ये मेजर फैक्टर्स हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज के। अच्छा, अब इसमें एक टर्म होती है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्टरी की जब इनर वॉल डैमेज होती है तो जो फैटी डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, फैटी डिपॉजिट्स जमा होते हैं वो बने हुए होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, और जितना भी इन्फ्लेमेशन की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स या इंजरी होती है या इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल मिल के वो डिपॉजिट्स बना देते हैं, प्लेक बना देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जो मैंने अभी आपको बयान किया है, ये सारा प्रोसेस, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस यही है कि आपका फैटी टिश्यू, फैटी प्लेक का जमा होना आपकी कोरोनरी आर्टरीज में, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है। अच्छा, जब इनफ प्लेक जमा हो जाता है, आहिस्ता 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 काफ़ी ज़्यादा प्लेक जमा हो गया, तो क्या होता है कि वो जो प्लेक होता है उसकी सरफेस ब्रेक हो जाती है, रप्चर हो जाती है। तो क्या होता है कि जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं ना, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि प्लेटलेट्स हैं, वो वहाँ पे आके ना क्लम्प हो जाते हैं, ताकि वो हमारा ब्लीडिंग रोकने का तरीका है ना, ये ब्लीडिंग जब आपकी कहीं भी आपकी साइट पर ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स जाके वहाँ पे रुक जाते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो जब प्लेटलेट्स जाके वहाँ पे जमा हो जाते हैं तो वो जो साइट है वो ब्लॉक हो जाती है। जब वो ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ पे एक क्लम्प बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट बन जाता है तो वहाँ से अब ब्लड को गुजरने की जगह नहीं मिलती। जब ब्लड को गुजरने की जगह नहीं मिलती, हार्ट के पास ब्लड नहीं आता, तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो दिस इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में नॉर्मली आपका एंजाइना होता है, चेस्ट पेन होती है और आपका हार्ट अटैक हो सकता है। तो और इसका कॉज क्या है कि बनता कैसे? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है।
तो ये है आपका नॉर्मल, आपकी आर्टरी इस तरह से होती है बिल्कुल क्लीन, ठीक है। जैसे कि ये आपकी ब्लड के अंदर आर्टरी, ये आपकी नॉर्मली इस तरह से होती है। तो ब्लॉक्ड आर्टरी जो होती है यहाँ पे इस तरह से प्लेक जमा होना शुरू हो जाता है। अब देखिए ब्लड के पास जगह बहुत कम हो गई है गुजरने के लिए, ठीक है। जगह कम हो गई है तो ब्लड जो है कम और देर से आएगा ब्लड के पास। हेल्दी आर्टरी अगर हम कट करके डायमीटर देखें तो हेल्दी आर्टरी आपकी इस तरह से होती है, प्लेक आपका जो है इस तरह से जमा होना शुरू हो जाता है। जब इस तरह से तो सरफेस डायमीटर कम हो जाता है ब्लड का, और नियर या कंप्लीट ब्लॉकेज जो है आपकी इस तरह से हो जाती है जहां पे बहुत कम ब्लड गुजर सकता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इसको कहते हैं। जब ये देखें ये क्लीन है, ये आपका जो है फैटी डिपॉजिट है जो जमा हो गया। जब वो रप्चर होता है तो यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स जो आके क्लम्प टुगेदर हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो ब्लड जो है यहाँ से पास ऑन नहीं हो सकता, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। दिस इज द सेम स्टाइल में आप, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए कि आपका इस तरीके से ब्लड क्लॉट हो जाएगा एंड पे। तो हार्ट डिजीज क्या है, जिसमें आपका प्लेक जमा हो रहा होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर अगर आपका बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाए तो ब्लड जो है मुश्किल से पास होता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन या हार्ट में पेन होती है, जिसको हम अनजाइना कहते हैं। और हार्ट अटैक क्या होता है, जब प्लेक प्लेक जो है आपका क्रैक हो जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है और ब्लड नहीं आता। तो ऑल इन ऑल अगर आप आपसे पूछा जाए कि आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है या कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या है, तो आप बताएंगे प्लेक बिल्डअप या थ्रू द प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना एंड हार्ट अटैक। और क्यों होता है, जब प्लेक बिल्डअप हो जाता है और ब्लड क्लॉट बन जाता है। ऑल इन ऑल दिस इज योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। डिक्रीज ब्लड फ्लो के ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपका प्लेक बिल्डअप होता रहता है तो आप फॉलोइंग सिम्टम्स आपके होते हैं, जो कि हैं एंजाइना, जिसको हम चेस्ट पेन कहते हैं। इसमें आपको अपनी चेस्ट में प्रेशर फील होता है, टाइटनेस फील होती है, ऐसे जैसे आपके सीने के ऊपर दबाव आ रहा है या भार पड़ा हुआ है। इस पेन को हम एंजाइना पेन कहते हैं। ये नॉर्मली जो है आपको लेफ्ट साइड पे, चेस्ट की लेफ्ट साइड पे फील होती है। और एंजाइना कभी कभार ट्रिगर भी कर जाता है, ट्रिगर करता है फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। ज़्यादा आप फिजिकली डैमेजिंग काम कर लें, या आप जो है आपके ऊपर इमोशनली आपको स्ट्रेस हो, परेशानी हो, और पेन जो है आपका, अगर आपकी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी स्टॉप हो जाए, आपका इमोशनल स्ट्रेस डिजॉल्व हो जाए, तो पेन भी आपका ख़त्म हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तब होती है जब आप जो हैं कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो आपका हार्ट जो है इनफ, अचानक आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर ली है, ठीक है, नॉर्मली आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, आप नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन अचानक आपने कोई काम ज़्यादा कर लिया है या कोई फिजिकली एक्टिव आप ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या होगा कि हार्ट जो है, क्योंकि आपकी जब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो आपको ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, लेकिन हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर सकता क्योंकि आर्टरीज ब्लॉक हुई भी होती हैं। तो जिसकी वजह से एक्सट्रीम फटीग और ब्रेथ सांस फूल जाता है, सांस फूलने को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। और लास्टली आपका जो सिम्टम है वो हार्ट अटैक है। ये जो हार्ट अटैक है ये कंप्लीटली ब्लॉक्ड आपकी कोरोनरी आर्टरी है, और ये क्लासिक सिम्टम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज का। अच्छा, इसमें आपको क्रशिंग पेन होती है चेस्ट में और आपकी आपकी शोल्डर में और आर्म में, नॉर्मली लेफ्ट साइड पे होती है, और ये होता है, और साथ में आपको स्वेमिटिंग होती है और सांस फूलती है आपकी। वुमेन में कम है चांस फिजिकल सिम्टम्स का, और हार्ट अटैक का चांस भी कम होता है, लेकिन मेन में जो है ये ज़्यादा होता है। और हार्ट अटैक जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि विदाउट अपेरेंट किसी भी साइन सिम्टम के, विदाउट भी हो सकता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं? सबसे पहला रिस्क फैक्टर एज है। जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी आर्टरीज डैमेज होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं भी है डाइट में, लेकिन आर्टरीज डैमेज होती हैं, एज के साथ साथ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से प्लेक बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लेक जो है वो आर्टरीज को, डैमेज आर्टरीज को जो है, इन्फ्लेम्ड आर्टरीज को
बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर साथ साथ आपकी बॉडी जो है उसका फैट मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, सही तरीके से फैट मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से फैट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। सेक्स इसमें आ जाता है, आपका जो जेंडर है मेन मेन जो है उनमें ज़्यादा चांस है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और वुमेन में चांस इंक्रीज हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री जो है अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ एसोसिएटेड है तो बहुत चांस है कि आपको भी हार्ट डिजीज़ हो सकता है, स्पेशली अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव हो जिसको हार्ट डिजीज़ अर्ली एज में डेवलप हो गया हो। जैसे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपका आपके फादर या ब्रदर को बिफोर 55 ऑफ एज हार्ट डिजीज़ डिवेलप हो, या मदर या सिस्टर को आफ्टर 65 एज डिवेलप हो, तो आप में भी चांस हो सकता है, सॉरी बिफोर 65 एज, मेन में बिफोर 55 और वुमेन में बिफोर 65। देन कम स्मोकिंग, स्मोकिंग में जो भी जनरली लोग स्मोक करते हैं उनमें हार्ट डिजीज का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोक में से भी नॉर्मली लोगों में कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। देन कम्स हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज थिक हो जाती हैं और हार्डन हो जाती हैं। आर्टरीज के थिक और हार्डन होने की वजह से भी जो चैनल है, जो वो आर्टरीज का डायमीटर है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। देन कम्स हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, सबसे बड़ा मेन रीजन जो है कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स अगर ब्लड में हाई होंगे तो प्लेक बन सकता है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका एलडीएल लेवल हाई होने की वजह से होता है या एचडीएल लेवल लो होने की वजह से होता है। एलडीएल लेवल आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल लेवल आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो हो जाता है तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, क्योंकि एलडीएल जो होती है वो नॉर्मली वो कोलेस्ट्रॉल होती है जो ब्लड में रहती है, और ब्लड में रहने की वजह से, ज़्यादा ब्लड में रहने की वजह से वो आपकी आर्टरीज में जमा होने शुरू हो जाती है। और एचडीएल जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल होती है जो नॉर्मली फैट को बॉडी में से एक्सक्रीट करा देती है, तो इसका लेवल लो होने की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है क्योंकि ब्लड में से फैट ही एक्सक्रीट नहीं होता। देन कम्स डायबिटीज, डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, हाई ब्लड प्रेशर की तरह डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का बढ़ने का। इसमें ये होता है कि जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के सिमिलर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर। तो ये एक साइकिल गेम है कि अगर डायबिटीज़ होगा तो आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, अगर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो तो आपको डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह से ओवरवेट और ओबेसिटी, ओवरवेट और ओबेसिटी में क्या होता है कि फैट लेवल्स जो हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, फैट लेवल्स हाई होने की वजह से दे कैन डिपॉजिट इन योर ब्लड वेसल्स और जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसी तरह से फिजिकल इनएक्टिविटी, जब एक्सरसाइज आपकी कम हो जाती है तो भी आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज़ बढ़ जाता है, उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी मेंटेन रहती है, बॉडी का फैट मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, उसके अलावा आपकी बॉडी फैट लेवल्स आपके कम होते हैं, और जब आपके बॉडी फैट लेवल्स कम होंगे, इसके अलावा जो एक्सेस फैट अगर आपने ले लिया है तो जब आपकी एक्सरसाइज हाई होती है तो वो सारी की सारी आपकी बर्न हो जाती है, तो इस तरीके से आपकी जो है प्लेक बिल्डअप नहीं होता। देन कम्स हाई स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत बड़ा कॉज है आपकी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का, क्योंकि ओवर द टाइम आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि मेजर कोरोनरी आर्टरीज हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और उनके डैमेज होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से, प्लेक बिल्डअप होने की वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है। लास्टली योर अनहेल्दी डाइट, वो फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड फैट हो, ट्रांस फैट हो, सॉल्ट और शुगर ज़्यादा हो, ये चीज़ें सेचुरेटेड, हाई सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, सॉल्ट एंड शुगर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अच्छा, अब जो रिस्क फैक्टर्स हैं अक्सर इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे अगर रिस्क फैक्टर इकट्ठे हो जाएं तो आपका जो है
वो रिस्क फैक्टर्स एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं. तो जिस जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओबेसिटी है तो ओबेसिटी से टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, और टाइप 2 डायबिटीज से हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, या ओबेसिटी से टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दोनों हो सकते हैं. तो इस तरह के रिस्क फैक्टर्स जब इकट्ठे होते हैं तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, अगर रिस्क फैक्टर्स इकट्ठे हों इनमें से अगर एक हो तो चांस कम है, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो कोरोनरी हार्ट डिजीज का चांस भी बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है, हाई इंसुलिन लेवल होता है, बॉडी फैट जो है वेस्ट एरिया में आपकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है. तो नॉर्मली आपके इस तरह की कंडीशंस जिनमें आपके रिस्क फैक्टर्स इकट्ठे हों उनसे भी आपका डिजीज का चांस बढ़ जाता है. अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है क्लासिक, जो हमने अभी तक जो पढ़े हैं ये आपके क्लासिक सिम्टम्स हैं. आपके सिम्टम्स हैं स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड हाई स्ट्रेस एंड अनहेल्दी डाइट. ये आपके क्लासिक रिस्क फैक्टर्स हैं. समटाइम्स आपके क्लासिक रिस्क फैक्टर्स के बावजूद अगर ये ना हो तब भी अक्सर ऐसा होता है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाता है. तो तब वो जो कुछ आपके फैक्टर्स हैं उनमें आपका आ जाता है, ये सम केसेस में होता है, उनमें एक आपका आ जाता है स्लीप एपनिया. अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आप रात को सो रहे हो तो अक्सर आपने सुना होगा कि रात को सोते हुए आप अचानक से नींद से अगर आप उठते हैं पानी के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, तो आप अचानक ना उठें और अचानक उठ के आप ना जाएं. अगर आप सोते हुए उठे हैं तो बॉडी जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में होती है. तो बॉडी अगर अक्सर ऐसा होता है कि अचानक अगर वो उसको वर्क करना पड़े और वो अचानक स्ट्रेस में जाती है, जिसकी वजह से बॉडी हैंडल नहीं कर पाती वो चीज़, और अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है. तो इनमें आपका आज तो स्लीप एपनिया जो है वो आपका डिसऑर्डर है जिसमें आपकी आपकी स्लीपिंग डिस्टर्ब होती है, आपकी जो है ब्रीथिंग लेवल जो है सोते हुए डिस्टर्ब हो जाता है, रिपीटेडली स्टॉप होता है और स्टार्ट होता है, जिस वजह से नींद नहीं आती आपको. और इसमें अक्सर ऐसा होता है कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल सडनली ड्रॉप कर जाता है. तो जब वो सडनली ड्रॉप करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे स्ट्रेन पड़ेगा, जिसकी वजह से बार बार ये होने की वजह से आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है. नेक्स्ट इज हाई सेंसिटिविटी. सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है एक ऐसी प्रोटीन है जो जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है तो बढ़ जाती है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन की वजह से आपके हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है. और इन्फ्लेमेशन जो है आपकी तब बढ़ती है जब आपको स्ट्रेस होता है, या आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, या आप ओबीज होते हैं, मतलब मल्टीपल रीजन, या आप सीडेंट्री लेवल्स आपके होते हैं. नॉर्मली वो लोग जिनके अंदर कोरोनरी, जिनकी कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो रही होती हैं, उनकी सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है सीआरपी जो है वो उनकी बढ़ी हुई होती है. तो अगर हम ब्लड में चेक करें हाई सेंसिटिविटी सीआरपी अगर बढ़ी हुई है तो ये एक इंडिकेटर भी आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है. देन कम्स हाई ट्राइग्लिसराइड्स. हाई ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो आपकी लिपिड है, फैट में आपकी जो डाइट्री फैट होती है उसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं. और ये ब्लड में अगर आपके हाई ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो तो भी एक ये सीएचटी का रिस्क है. देन कम्स अल्कोहल यूज. अगर हैवी अल्कोहल लेंगे तो उससे हार्ट मसल्स डैमेज हो जाएंगे, जिससे देन अगेन आपको सीएचटी का रिस्क हो सकता है. एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस. ऑटोइम्यून डिजीजेस वो डिजीजेस जो कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड हैं, जो कि अच्छा आपको विदाउट एनी रीजन जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, खुद से हो सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, या ये सारी रीजन जिनकी वजह, ये ऐसे डिजीजेज हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है बॉडी में, और इन्फ्लेमेशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है. देन कम्स योर कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस आपकी यही हैं, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर.
चेस्ट पेन जो है आपको तब होती है जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, और ये ज़्यादातर जो है आपको चेस्ट पेन फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो सकती है। हार्ट अटैक आपका तब होता है जब कोलेस्ट्रॉल प्लेक रप्चर हो जाता है और ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड फ्लो नहीं हार्ट को पहुँचेगा, तो जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट फेलियर जो है ये वो तब होता है जब आपके जो हार्ट है, हार्ट के कई एरियाज हैं, अगर उनको क्रॉनिकली मतलब हर वक्त आप लॉन्ग अरसे के लिए ऑक्सीजन से डिप्राइव रहें, न्यूट्रिएंट से डिप्राइव रहें, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो, तो आपका जो हार्ट है आहिस्ता 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 डैमेज होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, इनफ ब्लड पंप नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एट द एंड हार्ट डाइज एंड विद द हार्ट द पर्सन डाइज। तो होता क्या है, ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम होता है बॉडी ब्लड हार्ट को, हार्ट को जब ब्लड फ्लो कम मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपर पंप नहीं कर सकेगा, प्रॉपर पंप नहीं कर सकेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो है हार्ट वीक हो जाएगा एंड ओवर द टाइम प्रेशर मेंटेन वो बर्डन मेंटेन नहीं कर सकेगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा एंड इट विल स्टॉप बीटिंग। देन कम्स एबनॉर्मल हार्ट रिदम, इसको हम एरिथमिया भी कहते हैं। एबनॉर्मल हार्ट रिदम या एरिथमिया जो है वो कंडीशन है जिसमें हार्ट को इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जाती है, तो हार्ट टिश्यू डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट की इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस इंटरफेयर होती हैं और हार्ट रिदम जो है आपकी हार्ट की जो बीटिंग रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाती है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन जो है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ प्रिवेंटिंग इट। उसमें आपकी आ जाती हैं क्विटिंग स्मोकिंग, कंट्रोलिंग द कंडीशन सच एज हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज, स्टेइंग फिजिकली एक्टिव, ईटिंग लो फैट लो सॉल्ट डाइट एंड अ डाइट विच इज रिच इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट एंड रिड्यूसिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइटरी चेंजेस, दीज आर कंट्रोलिंग ब्लड लिपिड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड लिपिड कंसेंट्रेशन, ब्लड लिपिड में आपका आ जाते हैं जो ब्लड के अंदर लिपिड होते हैं वो होते हैं आपके सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और कोलेस्ट्रॉल, इनको और आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये सब है, इनको आपने कंट्रोल करना होता है। और आप जो हैं अगर सॉल्यूबल फाइबर खाएं तो ब्लड लिपिड्स जो हैं काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं। रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो है मेजर रिस्क फैक्टर है सीएचडी का, तो अगर वही सेम डाइटरी लाइफस्टाइल्स जो कि आप ब्लड लिपिड कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अडॉप्ट करेंगे वही आपने लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना होता है ब्लड प्रेशर के लिए, मतलब कि लो सॉल्ट डाइट खाएंगे और लो फैट डाइट लेंगे। कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स जैसे कि डायबिटीज़ मेजर कंट्रीब्यूटर है सीएचडी का, तो डाइट्री इंटरवेंशन जिनसे इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाए और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इम्प्रूव हो जाए उससे आपका जो है सीएचडी का रिस्क भी इम्प्रूव हो जाता है। इम्प्रूविंग एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस एंड एंडोथेलियल फंक्शन, अगर आप डाइट्री एंटीऑक्सीडेंट्स लें, फोलेट मैग्नीशियम लें, ठीक है, तो उससे आपका इन्फ्लेमेशन कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होगी तो प्लेट बिल्डअप नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करें, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए एक्सेस बॉडी फैट कम करें, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है इंडिकेटर है इन्फ्लेमेशन का इसको हम कम करें, इसको आप कम कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ये जो आपके फैक्टर्स हैं कंट्रोलिंग ब्लड लिपिड कंसेंट्रेशंस, रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स, इम्प्रूविंग एंटीऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, ये सब आपके तब हो सकते हैं अगर आप एनिमल फूड प्रोडक्ट्स कम लें, जैसे कि मीट है, एग्स हैं, मिल्क है, फुल फैट मिल्क है, बटर घी है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, एनिमल फैट है आपका, इस तरह की चीज़ें आप कम लें क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके अंदर सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और यही फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके बाकी फैक्टर्स हाई हो जाते हैं, तो अगर ये आपका कम हो जाएगा तो बाकी फैक्टर्स भी कम हो जाएंगे। तो वो डाइट जिनमें लो सैचुरेटेड फैट और लो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। इसमें
टोटल फैट जो है आपकी जो नॉर्मल एनर्जी है, ठीक है. फॉर एग्जांपल मुझे रिक्वायर्ड है मेरी नॉर्मल एज, हाइट, फिजिकल एक्टिविटी और जेंडर की कंपैरेटिवली मुझे नॉर्मल, मेरे लिए नॉर्मल मेरी इनटेक होनी चाहिए 2500 किलो कैलोरीज पर डे. तो उनमें से आपकी जो है 30% जो एनर्जी आएगी, मतलब 30% जो कैलोरीज होंगी वो मैं फैट से ले सकती हूँ. और इसका मतलब ये है कि टोटल फैट में अब आपकी सेचुरेटेड फैट भी आती है, कोलेस्ट्रॉल भी आती है, इसका मतलब पॉली अनसेचुरेटेड फैट और मोनो अनसेचुरेटेड फैट भी आती है. तो इसका मतलब ये है कि अब इस टोटल 30% एनर्जी में से, या 30% जो फैट है इसमें से जो सेचुरेटेड फैट होगी वो आपकी लेस देन 7% होनी चाहिए और कोलेस्ट्रॉल आपका 200 mg पर डीएल होना चाहिए. तो आपकी कोलेस्ट्रॉल इंटेक 200 mg पर डीएल और सेचुरेटेड फैट इंटेक लेस देन 7% ऑफ टोटल एनर्जी या टोटल कैलोरीज होनी चाहिए. तो इसमें जो है सेचुरेटेड फैट्स आप या ट्रांस फैट्स जो है आप कम कर सकते हैं. नॉर्मली ट्रांस फैट्स भी आपका एक डिजीज रिस्क फैक्टर है. ट्रांस फैट्स असल में आपके हाइड्रोजनेटेड फैट या हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, जैसे कि मार्जरीन. तो वो प्रोडक्ट्स जिनमें ट्रांस फैट होती है वो आपने कम करनी है, मतलब मार्जरीन और इस तरह की चीज़ें आप, या एक्सट्रीमली फ्राइड ऑयल जो होता है वो आप कम इस्तेमाल करें. फिर फाइबर कंटेनिंग होल प्लांट फूड्स आप ज़्यादा लें, जैसे कि सोल्यूबल फाइबर इज़ गुड फॉर CHD. तो सोल्यूबल फाइबर जैसे कि ओट्स, बार्लेस, बीन्स, ये ज़्यादा लें. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ज़्यादा लें क्योंकि इनके अंदर डाइट्री फाइबर होता है, पेक्टिन होता है, और इनके इस इन सब की वजह से आपका जो है CHD कम हो सकता है, क्योंकि सोल्यूबल फाइबर जो है कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके बाइंड करके कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से एक्सक्रीट करा देती है, इसीलिए सोल्यूबल फाइबर इज गुड फॉर अस. देन कम्स अ वेजिटेरियन डाइट. वेजिटेरियन डाइट वही है कि आपके सॉल्युबल फाइबर्स जैसे कि सोर्सेज हैं ओट्स, बार्ले, एग प्लांट, ओकरा, ये आपके 20 ग्राम्स होनी चाहिए पर डे. तो अगर आप इतनी लेंगे तो आपकी CH कोलेस्ट्रॉल कंसनट्रेशन जो है वो आपकी कम हो जाएगी. इसी तरह से सोया प्रोटीन जैसे कि सोया मिल्क है वो आपकी 40 ग्राम हो, होल एलमंड्स या आपके जितने भी नट्स हैं वो आपके 28 ग्राम्स हो, प्लांट स्टेरोल्स जैसे कि आपके जितने भी प्लांट फूड्स हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो आपके 2 ग्राम्स हो. तो ये सब जो हैं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर हार्ट डिजीज रिस्क. तो अगर इतनी आपकी अमाउंट होगी रोज़ाना, और इतनी आपकी अमाउंट रोज़ाना तभी होती है अगर आप अपने एनिमल फूड प्रोडक्ट्स कम करते हैं या आप फैटी कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि मीटी पार्ट्स ऑफ फैटी पार्ट्स ऑफ मीट्स, आपकी जो है एग्स, आपका होल मिल्क, ये आप कम कर दें. आप लो फैट मिल्क लें, आप लीन मीट लें, आप जो है वेजिटेरियन डाइट जैसे कि आप ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, नट्स खाएं, तो ये आपके लिए अच्छा है. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो होता है, सेचुरेटेड फैट वेरी लो होती है, फाइबर बहुत ज़्यादा हाई होता है, फिर उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन सी, फॉलिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स से आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, तो इन सब से आपका CHD रिस्क कम होता है. तो जो कुछ और कंसिडरेशंस हैं जिनकी आप कह लें कि स्टडी ने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया, बट बिकॉज दीज वर इन द डाइट ऑफ पी हेल्दी पीपल सो दे आर कंसिडर्ड अ गुड डाइटरी स्ट्रेटेजी टू इंक्लूड दीज थिंग्स फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ CHD. इसमें आ जाता है फिश, फिश ऑयल, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, ये आप लेंगे तो आपका हार्ट डिजीज का रिस्क जो है कम हो जाता है. और अल्कोहल जो है, इवन अगर आप मॉडेस्ट लेवल भी ले रहे हैं तो स्वेयर आपकी सेवरल मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर डिजीजेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीजेस. तो इसकी वजह से आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है. तो और मोर देन मॉडरेट ड्रिंकिंग लेवल्स की वजह से कार्डियक मोर्टिलिटी, कार्डियक जो मसल है, जो कार्डियक टिश्यू है, जो आपका हार्ट टिश्यू है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है. तो इसीलिए जो है
अल्कोहल कम लेनी चाहिए। और तो कहते हैं कि अगर आप लेस या रिकमेंडेड लेवल्स ऑफ अल्कोहल लें या वंस इन अ वाइल लें तो इट्स गुड फॉर हेल्थ हार्ट, बट इट्स बेटर टू अवॉइड अल्कोहल। अच्छा, फिर एक फैक्टर है कि अगर आपकी आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज है, ये फैक्टर्स थे आपके प्रिवेंशन के और मैनेजिंग के, लेकिन अगर है और वो फेटल हो गया है तो आप सर्जरी के ज़रिए से उसको ठीक करते हैं। तो इसमें दो तरीके की सर्जरी हो जाती है। एक तो होती है एंजियोप्लास्टी या स्टंट प्लेसमेंट। नॉर्मली स्टंट प्लेस किया जाता है हार्ट में। होता क्या है, जो आपकी आर्टरी नैरो हो गई थी जहाँ पे प्लेक बिल्डअप हो गया था, वहाँ पे डॉक्टर जो है एक पतली सी थिन सी ट्यूब पास करता है, उसको हम कैथेटर कहते हैं। उस पतली सी थिन सी ट्यूब के ऊपर एक ना फूला हुआ नहीं, बगैर फूला हुआ डीफ्लेटेड जिसमें से हवा निकली हुई है, वो बैलून लगा होता है। वो जब वहाँ पे पास हो जाता है तो फिर उस बैलून को फैलाया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है। जब वो इन्फ्लेट होता है तो जहाँ पर वो जो डिपॉजिट था जमा हुआ हुआ, वो ख़त्म हो जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है, कंप्रेस हो जाता है। जब वो जगह खुल जाती है तो वहाँ से ब्लड जो है इजीली मूव कर जाता है। तो वो जो है स्टंट आपके जो है उधर रहता है, और अक्सर जो है स्टंट्स होते हैं उनके साथ मेडिकेशन भी होती है। वो स्लोली स्लोली मेडिकेशन रिलीज करता है कि वो जो डिपॉजिट जमा हुआ हुआ था वो निकल जाए वहाँ से। ये आपका स्टंट इस तरह से प्लेस होता है, जहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेक जमा हुआ हुआ है और यहाँ से ब्लड बिल्कुल नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे एक पतला सा कैथेटर पास करते हैं और इसके अंदर बैलून लगा होता है जो डिफ्लेटेड होता है। फिर ये बैलून जो है आपका इन्फ्लेट होता है, इन्फ्लेट होके ये आपका जो स्टंट है ये फूल जाता है, बैलून ख़त्म हो जाता है, और ये आपका फूलने की वजह से ये जो बाकी साइड है प्लेक है ये डिकम्प्रेस हो जाता है और यहाँ से आपका फिर ब्लड इजीली पास कर जाता है। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें जो है एक सर्जन जो है ग्राफ्ट बनाता है, और ग्राफ्ट बनाता है मतलब वो ये होता है कि जहाँ पे आपकी जो आर्टरी है ब्लॉक हुई हुई है उसके साथ एक और बॉडी में से ही आर्टरी लेके एक थोड़ा सा पार्ट लेके उसके साथ एक और आर्टरी बना देता है, तो ब्लड वहां से नहीं निकलता, वो दूसरी उस जो नई आर्टरी बनाई हुई है वो वहां से पास ऑन होता है। और ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी जो होती है, बाईपास सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है आप कह रहे हैं रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं कि सर्जरी फेल हो जाएगी, तो इसीलिए ये सिर्फ उन लोगों में की जाती है जिनमें मल्टीपल कोरोनरी आर्टरीज होती हैं और जिनमें जो है डेथ का चांस ज़्यादा होता है, तो ये सिर्फ उन पेशेंट्स में की जाती है। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपकी आर्टरी ब्लॉक हुई हुई है तो एक और आर्टरी यहाँ से लेके इधर जगह पे लगा दी, तो ये जगह ब्लॉक हुई हुई थी, ठीक है। अब ब्लड पास करने के लिए, ब्लड पंप करने के लिए इस जगह पे आर्टरी लगा दी, यहाँ से खून नहीं आ रहा तो वो खून यहाँ से आके आगे पास ऑन हो जाएगा, तो इस जगह पे पास ऑन हो जाएगा। तो अगर इस जगह पे पास ऑन हो जाएगा तो पहले जो ऑक्सीजन की कमी हुई हुई थी जिसकी वजह से हार्ट फंक्शन कम था और मसल्स जो हैं वो आपके डैमेज हो रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे, वो अब आपको जब ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा तो ऑक्सीजन पूरी हो जाएगी और हार्ट जो है वापस आपका काम करना शुरू कर देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन रिपीट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।